चलिए नहीं, अब प्रॉब्लम क्या, मार्केट में जो सबसे बड़ा गैप है वो मिनरल्स का है। ये गैप है, गैप समझते हो, गैप प्रोटीन की बात कर लेंगे, मार्केट में क्या बात करते हैं सारे, एंटीऑक्सीडेंट और नया आया है एल्कलाइन, इन दो चीज के अलावा हमारी मार्केट से ज्यादातर बात नहीं होती है, तो एंटीऑक्सीडेंट या एल्कलाइन। अभी इसमें जो 84 एलिमेंट्स है, 84 मिनरल्स है, इसमें सेलेनियम और फॉस्फोरस दो ऐसे मिनरल है जो हाईली एंटीऑक्सीडेंट है, हाईली एंटीऑक्सीडेंट है, इसलिए कैंसर को सपोर्ट करते हैं, राइट। और हमने रिजल्ट देखे हैं, वो बेहिसाब देखे, दो दोनों एंटीऑक्सीडेंट इसके अंदर पाए जाते हैं। अब मैग्नीशियम कैप्टन ऑफ मिनरल्स है, कैप्टन समझते हो, कैप्टन ऑलराउंडर कैप्टन है मैग्नीशियम, ये जितने भी ऑर्गन है सबके लिए बहुत ही क्रिटिकल है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। नर्वस सिस्टम के बारे में जैसे गौतम जी बात कर रहे थे, तो उसमें मैग्नीशियम, कॉपर, जिंक और फॉस्फोरस चाहिए नर्वस सिस्टम को ठीक करने के लिए, ठीक रखने के लिए, लेकिन लोगों को नॉलेज नहीं है और ये खाने पीने में मिलता है, हमें मिल नहीं रहा है। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ, जितने भी लोग बैठे हैं, मैं अपना अभी नहीं बोल सकता क्योंकि मैं रेगुलर 10-12 साल से ले रहा हूँ, जितने भी लोग बैठे हैं वो मिनरल डेफिशिएंट, 1000% मिनरल डेफिशिएंट। और उस मिनरल डेफिशिएंसी की वजह से क्या क्या होगा, थायराइड की बात जैसे बताई, अगर सेलेनियम की मात्रा कम होगी तो आपको थायराइड होना ही है, हार्मोनल जितना भी डिसबैलेंस है वो हो नहीं सकता इसे लेने के बाद। हमने जेन्युइनली कोई ऐसी चीज नहीं है जिस डिजीज या एलिमेंट को इसे सपोर्ट करते हुए नहीं देखा, कोई ऐसी चीज नहीं, जेन्युइनली कोई ऐसी चीज नहीं।